गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हूं द्वाराहाट में और कल शाम ही था। आज मैं यहां के बारे में आपको बताऊंगा। यहां द्वाराहाट को जो है एक मंदिरों का शहर माना जाता है और यहां के हम नज़ारे दिखाएंगे। यहां के मंदिरों के बारे में अभी आपको ले चलेंगे। यहां पर गुज्जल देव टेम्पल है, चंददेव टेम्पल है और महामृत्युंजय है और बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर, बद्रीनाथ है। इन सारी जगहों को आपको थोड़ी देर में ले चलते हैं। अभी सुबह का मौसम, आज मौसम खुल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ बड़ा शांत वातावरण है, यहाँ का नज़ारा। यहाँ की मार्केट भी बहुत पुरानी मार्केट बताई जाती है और बिखौती का एक मेला जो है यहाँ का बहुत फेमस मेला है, जिससे पूरे गाँव यहाँ के कनेक्ट होते हैं। और यहाँ की जो मंदिरों की बनावट है, वो बहुत सारे जो मंदिर हैं हमारे उत्तराखंड कुमाऊं में, इन मंदिरों की बनावट और यहाँ की बनावट सेम ही मुझे लगती है। और जैसे हम जागेश्वर मंदिर देखते हैं, बैजनाथ देखते हैं, सूर्य टेम्पल देखते हैं, तो सारे मंदिर उसी काल और उसी समय के बने हैं। कत्यूरी राजा के समय बताया जाता है और 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में उस समय के ये मंदिर बने हुए हैं हर जगह। और यहाँ का दृश्य बहुत सुनहरा है। अब निकलते हैं यहाँ से सीधे मंदिरों की तरफ को। और हमारे साथ हैं एक गणेशलाल जी, हमारे मित्र, रात को यहीं रुके थे और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह सुबह एक्यूप्रेशर किया था ना बहुत देर तक। वो पूरे नस जितने भी स्नायु तंत्र होते हैं उनको खोल देता है, अच्छा फील हो रहा है। तो अभी सर पहले कहाँ निकलेंगे हम? पहले मार्केट में निकलते हैं हम। नीचे खुला रहता है, ये बहुत पुराना घर है, उस समय का अभी भी ज्यों का त्यों है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छाजे जो है इनकी बनावट पाथर वाला है, अच्छी नक्काशी की गई है इसमें। भैया आ सकते हैं इधर, कुत्ता तो नहीं है ना। ये घर बहुत पुराना है ना, इसकी बनावट है कितने साल पुराना हो गए। बाप रे, काफी पुराना घर है, बहुत अच्छा है। आजकल तो बड़े बड़े होटल इसी मॉडल के बन रहे हैं, जो पुराने पाथर वाले घर है ना, बहुत अच्छा रहता है, इनमें गर्म रहता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ तो करने के लिए उसको। नहीं, क्या है इसमें ऐसी चीजें। हाँ वाकई में सही है। क्या नाम हो आपका? मेरा मोहित पंत है। मोहित पंत जी, चलो सही है पंत जी, आपने घर को अभी भी संभाल रखा है नहीं। ऐसी नया बना लिया दूसरा ना, ये पुरानी चीजें ये यादगार के लिए है। नमस्कार। ये दिली होती है, ये सारी लकड़ी की। आके मैं
ये पुराने जो हमारी कल्चर था वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है ना। ये हम हैं कचहरी मंदिर समूह द्वाराहाट में, आप देख सकते हैं। ये सब पुराने समय के ही पत्थरों के पटाल, कितना अच्छा लग रहा है इधर देखिए। यहाँ भी कोई भी मूर्तियां नहीं है, ये सब जगह की बनावट एक सी है। उसमें जिन्होंने भी इसका निर्माण किया होगा कत्यूरी वंश के समय, बैठने का भी कितना प्यारा सुंदर बना है उसी समय का, पूरा पत्थरों का है। कितनी बढ़िया प्यारी नक्काशी इसमें की गई है।
मन यानी मंदिर समूह द्वाराहाट साथियों, हम पहुंच चुके हैं गुज्जरदेव टेंपल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा हिस्ट्री आप यहाँ पर दर्शाई गई है। बताया जाता है कि गुज्जरदेव, सुधारदेव, मानदेव अथवा सोमदेव, इन तीनों में से गुज्जरदेव एक महत्वपूर्ण राजा बताया जाता है। द्वाराहाट में गुज्जरदेव ने अपने शासनकाल में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। उत्तराखंड के आप देखोगे समस्त मंदिरों में यहाँ की जो नक्काशी है और यहाँ के जो छोटे छोटे चित्र आपको यहाँ पर दर्शाया गया है उस समय का, ये अलग नज़र आपको आएगा। इन मंदिरों का जो समय काल है वो 6वीं से 7वीं शताब्दी बताया गया है। ये बताया जाता है कि ये मंदिर का निर्माण जो प्रक्रिया है वो मध्यकाल तक चलती रही। ऐसे ही द्वाराहाट के गांव में 6 मंदिर समूह स्थित थे और जिसमें गुज्जरदेव की जो यहाँ पर अंकित गया है, चित्रांकन किया गया है, ये बहुत बारीकी से, बहुत ज़बरदस्त ढंग से इसमें किया गया है। उसमें कत्यूरी राजाओं के शासनकाल में गुज्जर नाम का एक राजा बताया जाता है। दोस्तों, ये पत्थर की मूर्तियां केवल सुंदरता का ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ चीज़ें का प्रतीक है। यह भी दिखाती है कि सालों से विकास करती हुई यह कला अत्यंत आकर्षण और महत्वपूर्ण है। यह एक कह सकते हैं कि प्राचीन कला है। कितने नियंत्रण रीति से काटा जाता है इस पत्थरों को देखिए आप, यह उस कलाकार की कुशलता का ही प्रतीक है। वाकई में इतनी बारीकी से आप देखोगे यहाँ पर इसमें जो चित्र अंकित किए गए हैं, रात दिन मेहनत करके उसको कितना समय नहीं लगा होगा। आज भी देखोगे इन मंदिरों में इतने समय बीत जाने के बाद भी कहीं पर एक बूंद भी पानी की अंदर नहीं टपकती है। उस समय की कलाकारी को वाकई में ये देखने लायक है और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। साथियों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अभी और भी हमने यहाँ के टेंपल को आपको दिखाना है और मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में मैं और 100 मंदिरों को पूरा कर दूंगा। और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आके और यहाँ की नक्काशी को देख के और उस समय का जो इसमें पूरा समय का, उस काल का इसमें नक्काशी और उस समय की कलाकृति को इसमें दिखाया गया है। कितनी बारीकी से आप देख सकते हैं इसमें, महीन से महीन छोटे से छोटे चित्र को अंकित किया गया है। ये है गुज्जरदेव टेंपल द्वाराहाट का।